कलाज प्रशासन कलाज प्रशासन कलाज प्रशासन कलाज प्रशासन हमारी गाड़ी हमारी गाड़ी आज गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के बाहर जो छात्रों की जो बाइक्स वगैरह जो रखी रहती है, तो पुलिस प्रशासन और कॉलेज प्रशासन की मिलीभगत के द्वारा उन बाइक्स को लेकर के गाड़ियों में भर करके और थाने ले जाया गया और उन गाड़ियों का चालान बनाया गया, जबरन चालान बनाया गया। जबकि जो कि ये कॉलेज प्रशासन ने जो विद्यार्थियों के साथ में जो किया वो काफ़ी गलत किया है और इस चीज़ के ख़िलाफ़ हम लोगों ने प्रदर्शन किया और हम प्रधानाचार्य ने बताया कि कॉलेज प्रशासन का इसमें कोई हाथ नहीं है, कॉलेज प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, लेकिन यदि चालान काटा जाता है विद्यार्थियों का तो उसके खिलाफ हम लोग फिर से आवाज़ उठाएंगे, इधर ही धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस प्रशासन क्यों ले गया आपकी गाड़ियाँ जब प्रिंसिपल ने आपका फ़ोन नहीं करा वहाँ पे? तो प्रिंसिपल साफ मना कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को हमने फ़ोन नहीं करा, जबकि पूरी मिलीभगत उनकी है, क्योंकि वाइट लाइन के दायरे के अंदर गाड़ियाँ उठाना का कोई रूल भी नहीं होता है, ना तो ट्रैफिक के अंदर होता है ना किसी और में होता है। अफजल खान जो राजकीय महाविद्यालय है उसके ब्यावर गेट के सामने जो नियमित विद्यार्थी हैं कॉलेज के, उनके द्वारा कुछ गाड़ियां बाहर खड़ी हुई थी, तो कोतवाली द्वारा एक ट्रक आया और उन गाड़ियों को भरकर ले जाने लगा। जब मेरे को इस चीज़ का पता चला तो मैं वहां पहुंचा, तो मैं वहां 8-10 पुलिसकर्मी उपस्थित थे। मैंने उनसे पूछा कि गाड़ियाँ क्यों लेके जा रहे हो, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं उठती है, नियमित विद्यार्थियों के यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो? तो उनका जवाब था कि ये कॉलेज प्राचार्य के दिशा निर्देश है तो कॉलेज के गेट के सामने कोई गाड़ियाँ खड़ी नहीं रहेगी, इसलिए हम उठा के लेके जा रहे हैं। जब हम प्राचार्य से मिलने आए तो उनको बताया कि आपने इस तरह के दिशा निर्देश दिया जो बिल्कुल गलत है, तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा इस तरह के कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। तो हमने बोला कि सर जो गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं उनको छुड़ाए, चाहे दिशा निर्देश दिए या नहीं दिए गए हो, क्योंकि ये नियमित विद्यार्थी हैं, इनको बेवजह परेशान नहीं किया जाए। तो प्राचार्य ने आश्वासन दिया कि जो भी गाड़ियाँ पकड़ी गई है उनको मैं अभी छुड़वाऊंगा। रियाज खान एन एस गाड़ी इसकी पकड़ी गई। रियाज खान एन एस मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं भी शहर के अंदर वाइट लाइन है उसका मतलब पार्किंग नहीं होता है। जहाँ पर पार्किंग जोन घोषित किया हुआ है, जहाँ बोर्ड लगा हुआ है, वही पार्किंग जोन है। बाकी जो वाइट लाइन के अंदर होती है वो पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए होती है, वो फुटपाथ कहलाता है। तो जीसी के बाहर कहीं कोई पार्किंग जोन नहीं दे रखा। ऑटो रिक्शा स्टैंड है, उसके लिए अलग से एक वो लगा हुआ है। और जीसी में जो मुझे अच्छी तरह से जानकारी है प्रिंसिपल महोदय के अनुसार, बहुत अच्छी अंदर बहुत बड़ी पार्किंग है और स्टूडेंट को अंदर ही पार्क करना चाहिए, ना कि बाहर करना चाहिए। प्रिंसिपल महोदय ने ये भी बताया था कि बाहर हम कभी नहीं कहते कि बाहर खड़ा करें, तो बाहर कोई पार्किंग एरिया नहीं है। तो बिल्कुल अगर गाड़ी होगी तो उठाई गई जो सही उठाई गई, और भविष्य में भी उठाएंगे हम।